हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बच्चों से लेके बड़ों तक की फेवरेट मैक्रोनी लेके आई हूँ, लेकिन मैं कुछ अपने तरीके से चाइनीज स्टाइल में बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ ऑयल। तो ऑयल थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लूँगी, मतलब एक बड़ा चम्मच भर के, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी ढेर सारा लहसुन। तो जो चाइनीज़ रेसिपीज़ हम बनाते हैं उनमें लहसुन तो कंपलसरी हो जाता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी ग्रीन मिर्ची, और आप देख सकते हैं कि मिर्ची को मैंने किस तरीके से लंबा लंबा कट किया है। और कुछ सेकेंड के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑनियन। ऑनियन को भी मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया था। और ऑनियन डालने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी कैप्सिकम, और ये है कैरेट। और इन सबको ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश ग्रीन मटर, और अगर आप अदर वेजीज खाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कट करके डाल दें। और ऑयल में 1 से 2 मिनट तक सारी सब्जियों को क्रंची होने तक फ्राई करना है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है नमक। और आप देख सकते हैं कि सब्जियों का कलर कितना सुंदर लग रहा है। और इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद मैंने लिड को खोला तो मैंने चेक किया कि जो सब्जियां हैं वो 50% तक कुक हो गई हैं। तो हमको इन सब्जियों को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। तो 1 मिनट के लिए मैंने फिर से ढक दिया है। तो अच्छे से सब्जियां हमारी 70-80% तक कुक हो गई हैं। तो इससे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, क्रंची ही रखना है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस, और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी विनेगर। मैं सारे सॉसेज इसमें ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये है रेड चिली सॉस, तो ये मैंने 1 चम्मच तक ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली सॉस, क्योंकि जो मैक्रोनी पास्ता है वो हम बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में बना रहे हैं। और ये है सेजवान सॉस, तो इसको मैंने 2 चम्मच ले लिया है। और ये जो रेसिपी है वो थोड़ी सी तीखी, खट्टी, मीठी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ढेर सारा केचप मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो सारे सॉसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इनको अच्छे से कम फ्लेम पर ही सारे सॉसेस को सब्जियों में मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा डार्क हो गया है, क्योंकि जो डार्क सोया सॉस हमने डाला था उसका कलर सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो गया है। और खुशबू तो इतनी अच्छी आती है, आप यकीन मानिए बाहर का चाइनीज फूड खाना भूल जाएंगे आप। और ये है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको चम्मच से घोल दूंगी। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है, क्योंकि हमको इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखनी है, लेकिन थोड़ी सी थिक ग्रेवी रखनी है। तो जो कॉर्नफ्लोर है वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में जो कॉर्नफ्लोर है वो गाढ़ा हो गया है। तो इसको ढक के रख दूंगी मैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो जो सॉसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, और आप देख सकते हैं सॉसेस सारे अच्छे से पक गए हैं, ग्रेवी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैक्रोनी, जिनको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था। ऑयल और नमक डाल के मैंने सारी मैक्रोनी को अच्छे से बॉयल कर लिया था। इसकी वीडियो मेरे से मिस हो गई बॉयल करने वाली, तो मैं आपको अदर वीडियो में बता दूंगी कि पास्ते को किस तरीके से बॉयल करना है जिससे वो चिपके ना। तो सारे सॉसेज और सब्जियों के अंदर मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और सारे सॉसेज जो हैं वो बहुत अच्छे से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और इसको ढक के रख दूंगी जिससे जो सॉसेज हमने ऐड किए हैं मैक्रोनी के अंदर फुल फ्लेवर आ जाए। और देखने में लग रहा है ना डिलीशियस, तो फटाफट से आ जाइए और गर्मा गर्म मैं आप लोगों के लिए मैक्रोनी पास्ता फुल वेजीज के साथ सर्व कर रही हूँ, बिल्कुल अपने तरीके से चाइनीज स्टाइल में, और देसी तरीके से भी मैंने आप लोगों से शेयर की है। और ये ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन, इसके बिना तो चाइनीज रेसिपी बिल्कुल अधूरी है।
तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट के जैसे, तो क्यों हम मार्केट में जाएं जब हम घर पर ही सारी चीजों को बना सकते हैं। तो देख देख कर किसके आ रहा है मुंह में पानी, तो जल्दी से फटाफट से बना लीजिए अपने घर पर, बच्चों के लिए खुद के लिए। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाय।